विगत 10 दिनों पूर्व से मध्य प्रदेश की समस्त अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था एवं प्रशासन को चेतावनी दी गई थी कि हमारी विभिन्न मांगों को वह पूर्ण नहीं करेंगे तो हम 22 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने पर विवश होंगे। वहीं संगठन के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री के साथ विभिन्न मांगों को लेकर बैठक में संतोषजनक जवाब न मिलने से हम सब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं और जब तक हमारी मांगे पूर्ण नहीं होती हैं हम समस्त संगठनों के साथ मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी और कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के तत्वावधान में जिला पंचायत बालाघाट के तत्वावधान में हड़ताल पर बैठे रहेंगे। दस दिनों के लगभग हम लोगों ने मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को ज्ञापन सौंपा था। हमारी विभिन्न मांगे हैं समस्त अधिकारी कर्मचारियों की, जो कि जिला जनपद एवं ग्राम पंचायत के समस्त अधिकारी कर्मचारी हैं। संविदा अधिकारी कर्मचारियों की मांगे हैं नियमितीकरण, वेतन विसंगति को दूर करना, क्रमोन्नति, पदोन्नति एवं विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं जिसका निराकरण शासन स्तर पर लंबित है। कल हमारे प्रदेश संगठन के तमाम 18 संगठनों के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंत्री महोदय जी के बंगले पर गए हुए थे, उन्होंने आमंत्रित किया था। चूंकि कल सार्थक परिणाम, सकारात्मक परिणाम प्राप्त न होने के फलस्वरूप